हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण और टेक टॉक में आपका स्वागत है। गूगल दो मिड रेंज स्मार्टफोन लाने वाला है और ये लॉन्च जो है कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। और ये स्मार्टफोन है पिक्सेल 3A और पिक्सेल 3A XL। ये दोनों स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन के मिड रेंज प्रोसेसर लगे हुए हैं। जो डिफरेंस है मेन, ये दोनों स्मार्टफोन में वो बस केवल साइज का है और प्रोसेसर का है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। जहां तक साइज की बात है, पिक्सेल 3A जो थोड़ा सा छोटा स्मार्टफोन है वो 5.6 इंच स्क्रीन के साथ आएगा, जो कि होगी OLED डिस्प्ले। और साथ ही जो 3A XL है वो थोड़ा बड़ा होगा, वो 6 इंच डिस्प्ले के साथ आने वाला है। यानी जो दोनों स्मार्टफोन में स्क्रीन डिफरेंस है, स्क्रीन साइज डिफरेंस है, वो 0.4 इंचेस का है। जहां तक पिक्सेल 3A की बात है, इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 670 प्रोसेसर और पिक्सेल 3A XL में स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर लगा हुआ है। दोनों स्मार्टफोन दो वेरिएंट्स में आएंगे। पहला होगा 4GB RAM, 32GB इंटरनल स्टोरेज। दूसरा होगा 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज। दोनों में एंड्रॉयड पाई ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होगा। साथ ही जो रियर कैमरा होगा इन दोनों स्मार्टफोन में, वो 12.2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा। और जो फ्रंट कैमरा होगा दोनों स्मार्टफोन का, वो 8 मेगापिक्सल का होगा। फ्रंट कैमरे में वाइड एंगल लेंस गूगल ने लगाई है सेल्फी के लिए। साथ ही जो बैटरी लगी होगी इन स्मार्टफोन में, वो 3000 mAh की होगी। फास्ट चार्जिंग के साथ ये बैटरी आएगी। ये दोनों स्मार्टफोन 4G VoLTE को सपोर्ट करेंगे। ब्लूटूथ 5 इन दोनों स्मार्टफोन में लगा होगा। USB Type-C पोर्ट इन दोनों स्मार्टफोन में गूगल देने जा रहा है। और ये दोनों स्मार्टफोन कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाला है। मिड रेंज स्मार्टफोन है। गूगल पहली बार मिड रेंज के स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री कर रहा है। स्पेसिफिकेशंस मिड रेंज के हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के। प्राइसिंग कितनी गूगल रखेगा इस पर डिपेंड करेगा कि ये दोनों स्मार्टफोन मार्केट में कितनी जगह अपनी बना पाते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले आपके लिए लाते रहेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।